हिमाद्री सवाल का ही है और उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ही कांग्रेस ने टीकाराम जूली को जिम्मेदारी दी है। सवाल ये भी है कि कांग्रेस लोकसभा में कैसा प्रदर्शन करेगी और संभवतः इसी के चलते रणनीतिक रूप से देखिए गोविंद डोटासरा जो किसान वर्ग से आते हैं, जाट समाज से आते हैं, उन्हें पीसीसी चीफ बरकरार रखा गया है। हालांकि उनका नाम भी सीएलपी लीडर में चल रहा था लेकिन सीएलपी लीडर के रूप में नया चेहरा लाया गया है और टीकाराम जूली को ये जिम्मेदारी दी गई है। वो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, वो भी एक बड़ी संख्या में वोटर हैं और ऐसे में क्या ये कॉम्बिनेशन कांग्रेस के दिन फेरने वाला है? क्या ये कांग्रेस लोकसभा में लगातार दो बार से जो कांग्रेस के लिए सूखा चला आ रहा है उस सूखे को खत्म करने वाला है? और अगर उस सूखे को ये कॉम्बिनेशन खत्म करने वाला है तो क्या कांग्रेस आरएलपी या किसी अन्य पार्टी से अलायंस करेगी लोकसभा चुनाव में? और अलायंस नहीं कर रही है तो क्या बिना अलायंस के जाना चाहते हैं? ये सवाल राजनीति के गर्भ में है जो भविष्य में आएंगे, लेकिन उससे पहले टीकाराम जूली की परख होगी 19 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में। जी, मुद्दे कई आएंगे। राम मंदिर जैसा मुद्दा आएगा जब 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस बीच जी बिल्कुल शशि, यहाँ पर मेरा एक सवाल ये था कि अगर टीकाराम जूली की बात करें और दूसरी तरफ अगर बीजेपी के नवनियुक्त मुख्यमंत्री की बात करें, बीजेपी ने जहां पर सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब उसी नक्शे कदम पर चलते हुए सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग यहां पर कर रही है। हिमाद्री, हर पार्टी की कोशिश होती है कि सोशल इंजीनियरिंग करें। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई अलग अलग जातियों को प्रतिनिधित्व दें या अलग अलग पुर्जे से फिट करें, बल्कि समाज के हर वर्ग में ये भाव रहे, ये एहसास रहे कि उन्हें जो भी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग कर रही है वो उन्हें तवज्जो दे रही है, उनके योगदान को पहचान रही है, उन्हें रिकॉग्नाइज कर रही है और उनकी अहमियत को समझते हुए राजनीति की मुख्य धारा में उन्हें राजनीति के जरिए उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रही है। तो ये एक प्रयास होता है सभी पार्टियों का आमतौर पर। आप देखिए कांग्रेस इसका माइलेज पहले भी लेती हुई दिखाई दी थी जब 4 कैबिनेट मंत्री दलित वर्ग से बनाए गए थे अशोक गहलोत सरकार में, तब कांग्रेस कह रही थी कि आजादी के बाद पहला मौका है तब 4 दलित मंत्री बनाए गए हैं। ये बात सही थी, हमने स्वीकारी भी, लेकिन सवाल ये था कि आजादी के बाद से ज्यादातर समय सरकार किसकी रही, फिर इससे पहले ये मौका क्यों नहीं आ सका? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल इस तरीके के आते हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब जब पार्टियां खुद के लिए कंफर्ट जोन महसूस करती है तभी देती है, अन्यथा इस तरह के सवालों से भी बचती है और उसके जवाब से। जी बिल्कुल शशि, हमारे साथ निजाम भी बने हुए हैं, निजाम का भी रुख कर लेते हैं। निजाम, चलिए पहले आपको बता दें कि टीकाराम जूली को जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रखा गया है और अब ऐसे में सदन में कितने दमदार तरीके से, कितने बुलंद स्वर में टीकाराम जूली अपनी बात रख पाएंगे इतने दिग्गजों के आगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर कि टीकाराम जूली विधायक दल के नेता रहेंगे, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी कांग्रेस में रहेंगे और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से उन्हें नियुक्त किया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ बने रहेंगे। शशि, गोविंद सिंह डोटासरा अभी भी पीसीसी चीफ बने रहेंगे। आगामी चुनाव की अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव की, तो कहीं ना कहीं टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा एक सूत्रधार की भूमिका का काम राजस्थान में करेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण भूमिका तो रहेगी। दरअसल संगठन का काम गोविंद डोटासरा देखेंगे और सदन में एकजुटता और सरकार से सवाल करने, सरकार को घेरने का काम टीकाराम जूली की लीडरशिप में कांग्रेस के विधायक देखेंगे। दरअसल अलग अलग सोच, अलग अलग उम्र और अलग अलग अनुभव के विधायकों को एकजुट रखना, उन पर अपनी नेतृत्व की स्वीकार्यता स्थापित करना, ये टीकाराम जूली के लिए बड़ी चुनौती है। अपने वर्ग को, अपने समाज को साथ लाना, कांग्रेस के साथ में जोड़ना, उन्हें ये बताना कि कांग्रेस कितनी शुभचिंतक है, क्या किया कांग्रेस ने, क्या नहीं किया, ये तो अलग पहलू है ही। लेकिन सवाल ये भी है कि अपने दल के अंदर ही अलग अलग जो सेग्रीगेशन है, अलग अलग कंपार्टमेंट है, चाहे उम्र के हिसाब से देख लें, चाहे अनुभव के हिसाब से देख लें, चाहे एटीट्यूड के हिसाब से देख लें, चाहे सोच के हिसाब से देख लें और चाहे क्षेत्र के हिसाब से देख लें, सब विधायकों को एक जजम पर लाना। और क्या सारे विधायक, ये बात सही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियुक्त कर दिया है टीकाराम जूली को, लेकिन क्या सभी विधायक आसानी से टीकाराम जूली को अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं? और अपना नेता मान रहे हैं तो वो उनकी बात को किस हद तक फॉलो करेंगे? पिछली बार जब बीजेपी विपक्ष में थी तो हमने देखा कई बार ऐसे मौके हुए जब नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सदन से वॉकआउट का ऐलान किया, वो लोग बाहर चले गए, लेकिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के विधायक रहे कैलाश मेघवाल बाहर नहीं जाते थे। तो
तो सवाल उठता था कि क्या उसे आधिकारिक रूप से वॉकआउट माना जाए, तब वो आधिकारिक वॉकआउट नहीं होता था और वो रिकॉर्ड में भी वॉकआउट नहीं चढ़ता था, क्योंकि जब वॉकआउट होता है तो सभी सदस्य जाने चाहिए। तो क्या इतनी कमांड टीकाराम जूली डेवलप कर पाएंगे कि वो सभी विधायकों को एक साथ बाहर ले आए वॉकआउट के लिए और फिर वापस पहुंच जाए? तो कुछ चीजें आएंगी, कुछ चुनौतियां आएंगी और उनको देखना होगा, समझना होगा और फिर उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर उनकी अनदेखी करेंगे तो अलग तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। जी शशि, यहाँ पर जो है टीकाराम जूली को ये जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन एक बात मुझे यहाँ पर जाननी थी कि क्या टीकाराम जूली इतना होल्ड कर पाएंगे?